मौजूद है सिवान के गांधी मैदान में और यहां पे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक हो रही है और इसमें बिहार सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी हो जाने पर उनको साधुवाद बधाई दिया जा रहा है और यहां पे हर्ष व्याप्त किया जा रहा है यहां के इस कर्मचारी यूनियन के सभी सदस्यों द्वारा। यहां पे हम आपको बता दें कि इस आंदोलन के जो जन्मदाता हैं सीपीआई के नेता चंद्रमा सिंह वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं कि सर क्या कहेंगे आज जो बैठक हो रही है। ये आंदोलन जो है इन लोगों का 5 दिसंबर से शुरुआत हुआ, उसके पहले शुरुआती दौर में थे, आते आते इस तरह आंदोलन को तीव्र गति दिया गया। 8-9 जनवरी को अंतिम आंदोलन चला और उसके बाद से बढ़ता हुआ, बढ़ता में इन लोगों का डिमांड जो है माना गया और मानने में जो है बढ़ता के साथ जिनके राज्य के स्तर के बिंदेश्वर कुमार है जो महामंत्री हैं इनके, उन लोगों का 20% जो है 50% जो है उनके आवेदन में वृद्धि की और उसी वृद्धि के अनुसार पर आज जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना कार्यरत है और आगे की तरफ कार्य कर रही है, फिर एकता बोध होकर के आगे काम को आगे बढ़ाएगी। यही सवाल है, जो काम नौजवानों को करना चाहिए था वो एक 80 वर्ष का बुजुर्ग कर दिखाया। नौजवानों को नहीं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का निर्माण हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, इसीलिए करते करते अभी तक पहुँचे हैं। इसका निर्माण कराने में, इनको समर्थन को खड़ा करने में, जब शुरुआती दौर में देश के पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का निर्माण किया गया, जिसको ईंट रखा गया और उसको योजना बनाई गई कि आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग बच्चों को कैसे विकास कराया जाए, कुपोषण से ग्रसित हैं उन बच्चों को कैसे विकसित कराया जाए, देश के पैमाने पर ये सोच बनी तो हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों ने उस सोच को लेकर के जब बना तो बने हुए इन लोगों को कैसे उन्नत किया जाए, उनको कैसे विकसित किया जाए, जो महिलाएँ जो है दबी कुचली परिवार को उठाने का प्रयास करती है, अपने खुद दबी कुचली समाज के अंदर है, उनके साथ जो है इस तरह का भावना दिया जाता है, इसलिए हम उस समय से लगे हुए हैं। आज भी जब तक जिंदा है सिवान के अंदर, तो इन लोगों का काम को हम आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहेंगे। आज कितनी खुशी हो रही है आपको कि जब क्या? इस बात की खुशी है कि हमारा संगठन जो है इसको बिगाड़ने का लोग काम कर रहे थे, आज संगठित होकर के एकजुट होकर के AITUC का नेतृत्व में आकर के देश के पैमाने पर जो है AITUC ने तमाम ला करके संगठन को तेज किया, आंदोलन को बढ़ाया, उस आंदोलन में ये सब शरीक हुई और शरीक होकर जीत हासिल की, जिसके लिए कम से कम नीतीश कुमार से मांग किया जा रहा था कि और राज्य जो है इन लोगों का वेतन में वृद्धि किया है, इसलिए आप भी वृद्धि किए तो मानते नहीं थे, करने के तैयार नहीं थे। आज जो है हमको 25% अनुदान दे करके, केंद्र के 25% और उनका 25 लेकर के 50% को पूरा किया, ये बहुत खुशी की बात है। उनको लड़ाई का दिन है कि बिहार में हम लोग इन लोगों का 25% अनुदान दिलवा दिए, नीतीश कुमार से भी जो हमको देना नहीं चाहते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तमाम